हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आज तक मैंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी शेयर नहीं किया है। बहुत डिमांड भी की गई है मुझसे इस वीडियो की, तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपना पोस्टनेटल वेट या फिर जो प्रेगनेंसी के बाद वजन आ जाता है उसे कैसे लूज किया और कैसे अपनी शेप जो है रीगेन की सिर्फ घर पर ही। नमस्कार, मैं लता सबरवाल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी आपको बता दूं। मैं कुछ 36 या 37 इयर्स के बीच की थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरा बेबी हुआ। मतलब कि बहुत छोटी उम्र की नहीं थी मैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वेट लूज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, तो उसके बाद हम मालिश नहीं करवा सकते हैं, स्टिचेस होती हैं। जिनका हुआ है वो समझ सकते होंगे कितनी तकलीफ होती है। वो जो एपिड्यूरल इंजेक्शंस का बैक में हमारी दर्द होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत झेलना पड़ता है उसके बाद हमें। और सबसे दुख की बात ये है कि उसके बाद हमारा जो पेट होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता। मालिश वगैरह से बांधते हैं उससे फिर भी थोड़ा अंदर जाता है, इसमें ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। खैर चलिए, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो फिर क्या हुआ कि मैं शुरू में तो ऑब्वियसली सब लोग एक्सेप्ट करते ही हैं कि ये थोड़ा सा वेट आएगा। उसके बाद एक दो बार ना इसे मजाक में मेरे हस्बैंड ने मुझसे कह दिया कि अरे अंदर दूसरा है क्या। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, पेट इतना बाहर दिख रहा था। और मुझे भी खल रहा था क्योंकि मैं पहले कभी भी हेवी साइड पे नहीं थी, हमेशा फिट और मेंटेन थी। तो बस वैसे भी मैं क्योंकि फिटनेस फ्रीक शुरू से थी, मुझे लूज करना ही था। लेकिन शायद ये मजाक में कही हुई बात भी जो है वो मुझे छू गई और मैंने सोचा कि मतलब अब तो लग के करना ही है। और मैं वापस खुद भी उस साइज की होना चाहती थी और ये जो बात थी छोटी सी वो एक मोटिवेशन का काम कर गई। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं घर पर ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि एकदम से जब बच्चा होता है इतना बिजी होते हैं सब चीजों में कि पॉसिबल ही नहीं होता जिम जाना या कुछ और करना या ट्रेनर को घर में बुलाना, ये सब तो बिल्कुल भूल ही जाइए। इसलिए मैंने ठान ली और बस शुरू हो गई। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका प्रेग्नेंट होने से पहले वेट क्या था, उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और आपका फिटनेस लेवल क्या था, उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। आप एक प्रैक्टिकल एम सेट कीजिए। अगर आप हमेशा से ही हेवी साइड पे थोड़ा रही हैं, तो बाद में ऐसा कोई एम मत सेट कीजिए कि मैं अब तो बिल्कुल ही बहुत पतली होके दिखा दूंगी, कि शायद वो आपके ऊपर अच्छा भी नहीं लगेगा। और आप एक प्रैक्टिकल एम सेट कीजिए, जैसे कि मेरा अगर ये वेट था तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसके ही आसपास आऊं। तो ये दो चीजें कि हम पहले कैसे दिखते थे। जैसे मैं शुरू से ही इसी कद काठी की थी, बहुत ज्यादा हेवी साइड पे कभी भी नहीं रही हूँ, तो मेरे लिए यही एम था कि ठीक है मैं इसके आसपास भी आ जाऊंगी तो ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसी शायद उससे भी ज्यादा मेंटेन हो गई, वो तो चलिए एक अलग बात है। तो दो ये चीजें हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है।
फर्स्ट कि हमारा पहले वेट क्या था, हमारा साइज क्या था, और दूसरी हमारा फिटनेस लेवल क्या था, हम कितनी एक्सरसाइज करते थे, कितने फिजिकली फिट थे पहले। क्योंकि अगर हमने पहले एक्सरसाइज कभी नहीं की है, ऑल ऑफ अ सडन वी स्टार्ट एक्सरसाइजिंग विगरसली, तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये दो एम्स जो है आप अपने सेट कर लीजिए। स्टेप नंबर टू, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अपने आप को कम से कम एक साल का टाइम दीजिए। मैंने अपने आप को पूरा एक साल का टाइम दिया था। आप जरा सोचिए कि ये जो वेट आता है एक दिन में तो आया नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ 9 months आया है, तो एक दिन में या 9 दिन में या 2-3 महीने में कैसे चला जाएगा। और उसके बाद वैसे भी हमारी लाइफ काफी बदल चुकी होती है, लाइफस्टाइल बदल जाता है एक बार बेबी हो जाता है, तो इसलिए आप एम कीजिए कम से कम एक साल का, कि एक साल जो है मैं अपने आप को दूंगी, कोशिश पूरी करूंगी वापस उसी साइज का होने की जितनी मैं थी। तो मैंने अपने आप को ये एम दिया था कि मैं अपने बेटे के जो फर्स्ट बर्थडे होगा उस पर काफी फिट हो जाऊंगी। और हाँ, एक चीज और है, आपको सिर्फ वेट लॉस को ही अपना एम नहीं बनाना है, हमें एम रखना है, अपना फोकस रखना है फिटनेस पे। फिट होना जरूरी है, वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप साथ में हो ही जाता है अगर आप फिट रहेंगे तो। तो मैंने अपने बेटे के फर्स्ट बर्थडे को जो है अपना एम बनाया। स्टेप नंबर थ्री, जब तक हम बच्चे को फीड कर रहे होते हैं तब तक आप सब जानते हैं इस बात को कि हम बिल्कुल भी खाने पीने का परहेज नहीं कर सकते। मुझे याद है मेरी डॉक्टर जो मेरी गायनेक थी, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था तुम कुछ भी खाओ लेकिन घर का ही खाना। और मेरा बेबी वैसे भी कॉलिक बेबी था, कॉलिक बेबी मतलब कुछ बच्चों को गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उस वजह से मैं काफी रिस्ट्रिक्टेड चीजें खा पाती थी ताकि उसको जो है वो तकलीफ ना हो। और उसके अलावा जो मम्मी लोग हमारी लड्डू देती है, चूरमा देती है, वो सब तो हमें खाना ही पड़ता है और खाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें घर का घी पड़ा होता है, हमारी जो है वो मेथी पड़ी होती है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनकी उस टाइम पे शरीर को जरूरत होती है। इसलिए आप प्लीज उनका परहेज बिल्कुल मत कीजिएगा, और जब तक बच्चे को फीड कर रहे हैं जरूर अच्छे से घर का खाना खाइए। तो मैंने क्या चीजें उस टाइम पे जो है जिनका थोड़ा सा परहेज किया वो ये थी, चीनी को मैंने रिप्लेस कर दिया गुड़ से, जो ऑर्गेनिक गुड़ आता है जागरी, उससे रिप्लेस कर दिया। और बहुत ज्यादा डीप फ्राइड मैं नहीं खाती थी, डीप फ्राइड मतलब जैसे कि बटाटा वड़ा, समोसे, पकौड़े वंस इन अ वाइल खाती थी, लेकिन इन चीजों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया। घर का घी खाया, बटर खाया, वो भी घर का ही खाया, और बाकी जो भी नॉर्मल खाना बनता है घर पे बिना मिर्च मसाले का खाती थी, क्योंकि अगेन एज माय बेबी वाज अ कॉलिक बेबी, तो ज्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं खा पाती थी। तो गिव अप अगर मैंने किया या कट डाउन किया तो सिर्फ इन्हीं दो चीजों को किया, चीनी को रिप्लेस किया गुड़ से क्योंकि गुड़ के अपने कुछ फायदे होते हैं, और डीप फ्राइड फूड वो मैंने काफी हद तक अवॉइड किया, लेकिन आप फिर भी हफ्ते या 15 दिन में एक बार जरूर खाते हैं। अब हमारा फोर्थ स्टेप है एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसमें हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। वी हैव टू रियली रियली कीप पेशेंस, क्योंकि क्या है जब सी सेक्शन होता है सिजेरियन, ये एक मेजर सर्जरी है, ये एक माइनर सर्जरी नहीं है, बहुत डीप लेयर्स ऑफ मसल्स कट होते हैं, इसलिए 2.5 से 3 महीने तक, आइडियली 3 महीने तक मैं एडवाइस करूंगी, फिर भी वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं अगर आप शुरू करना चाहते हैं एक्सरसाइज। तो 2.5 से 3 महीने तक एक्सरसाइज अलाउड नहीं होती है, और ये टाइम आपको अपनी बॉडी को देना ही चाहिए, पूरी बॉडी को रिकवर करने के लिए ये टाइम जरूर देना चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए अगर आप लॉन्ग रन में चाहते हैं कि आप फिट रहे। तो जब 2.5 महीने का हुआ मेरा बेटा आरव, तो मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए वॉक करना शुरू किया। वॉक भी कैसी वॉक, कोई बहुत तेज तेज एकदम ब्रिस्क वॉक या फास्ट वॉक नहीं, सिर्फ जो टहलना बोलते हैं ना, लेकिन हाँ 20 मिनट फिक्स कर लिए कि रोज जो है वो मैं 20 मिनट वॉक किया करूंगी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जब वो सोएगा या जब उसका कुछ टाइम नहीं होगा तो, लेकिन 20 मिनट वॉक जरूर करूंगी। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद 20 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, दैट्स इट। स्टेप नंबर 5, ये जो 20 मिनट वॉक मैं कर रही थी ये मैंने पूरे 1 महीने शांति से की, बिल्कुल भी टाइम नहीं बढ़ाया ना ही स्पीड बढ़ाई। उसके बाद जाके मैंने जो है अपनी वॉक कुछ 30-35 मिनट्स कर दी। 35 मिनट्स इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फैट लूज करती है
30 मिनट के बाद ही, उसके पहले नहीं करती है। तो 35 मिनट्स की वॉक कर दी, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जॉगिंग रनिंग शुरू कर दी हो, लेकिन हाँ जो मीडियम स्पीड बोलते हैं ना, थोड़ा सा ब्रिस्क उसको किया, थोड़ा सा मीडियम स्पीड पे जो है 35 मिनट्स की वॉक, ये मैंने डेली शुरू कर दी। एक बात और, प्रॉपर शूज, प्रॉपर सॉक्स, प्रॉपर जो हमारा पूरा एक्सरसाइज गेयर होता है, हमारी स्पोर्ट्स ब्रा होती है, ये सब हमें पहनना बहुत जरूरी है। इसके बिना, अच्छे शूज के बिना आप बिल्कुल भी वॉक मत कीजिए, नहीं तो और तकलीफ हो जाएगी आपको। इसकी प्रॉपरली रेडी होके, भले आप 20 मिनट करें, 35 मिनट करें, रेडी होके वॉक कीजिए। फिर ये मैंने जो है वो 35 मिनट्स जो वॉक है ये एक महीने तक के की। बहुत आराम आराम से आपको चलना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए चलना है। उसके बाद जब एक महीना और निकल गया, नाउ स्टेप 6, फिर मैंने जो है वो ब्रिस्क वॉक कान में म्यूजिक लगा के शुरू कर। उससे क्या होता है, हमारी स्पीड अपने आप थोड़ी एक्सरसाइज म्यूजिक लगा होता है तो बढ़ जाती है। उसके बाद थोड़ी सी जो है ना वो अच्छी ब्रिस्क हो गई और मैंने टाइम भी जो है वो 45 मिनट्स कर दिया। अब टाइम भी बढ़ा दिया और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा दिया, लेकिन इसके साथ स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। हमेशा हल्की वार्म अप करके जो है वो एक्सरसाइज वॉक भी शुरू कीजिए और बाद में भी जो है कूल डाउन जरूर कीजिए। स्ट्रेचिंग हल्की बहुत जो होती है वो थोड़ी सी लाइट स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। बिल्कुल एकदम से ऐसा नहीं कि तेज तेज वॉक करके आए और बैठ के वो आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर ये जो है 45 मिनट्स की वॉक का म्यूजिक के साथ इसका जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। कभी कभी किसी दिन ऐसा होता था, मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा 40 या 45 मिनट, सो आई यूज्ड टू कट डाउन। कोई बात नहीं, आज 30 कर लूंगी, 35 कर लूंगी, 41 या 40 कर लूंगी, बट ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, लिसन टू योर बॉडी। हमेशा हमारे शरीर की बात जो है, हमारी बॉडी जो है ना हमसे बात करती है, It talks to us. तो हमें इसकी बात सुननी बहुत जरूरी है। कभी भी उसे आप इग्नोर मत कीजिए। कहीं दर्द है, तकलीफ है, ज्यादा है, कम है, सब बताती है। So listen to your body always. Now step number 7. अब इस टाइम पे आरव 5.5 महीने का हो गया था। अब इसके बाद जो है मैंने वॉक के साथ साथ दूसरी एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी शुरू की घर पे मैट के ऊपर। मैं आपको लिंक्स नीचे दे रही हूँ जो साइट्स में फॉलो करती थी, मोस्टली fitnessblenders.com है, मैं लिंक दे रही हूँ नीचे, उसे फॉलो करती थी या जनरली सर्च करती रहती थी जो भी एक्सरसाइजेस मिल जाए मुझे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्योंकि पहले जिम जाती थी रेगुलर, एक्सरसाइज करती थी प्रेगनेंसी से पहले, इसलिए मुझे आइडिया था कौन सी एक्सरसाइज कैसे की जाती। अगर आपको इस बात का आइडिया नहीं है तो प्लीज आप प्रॉपर ट्रेनर के अंडर ही एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत नाजुक हुई होती है इस टाइम पे, कुछ भी थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जो है मैंने अल्टरनेट डेज पे ये एक्सरसाइजेस शुरू की। एक दिन वॉक करती थी, दूसरे दिन थोड़े से सूर्य नमस्कार करती थी, साथ में हल्के हल्के एब्स और स्ट्रेचिंग जरूर करती थी, लेकिन ये सब हल्का ही करती थी। आप हमेशा याद रखिए, मेरी डॉक्टर ने एक बात मुझे बोली थी कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, और वैसे भी बैक एक्सटेंशन जो हमारी बैक की एक्सरसाइज है ना, इसकी तो आपको कभी लाइफ में छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि हमारे बैक में इंजेक्शन लगते हैं और बैक बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए उसे स्ट्रेंथन करना थ्रू आउट द लाइफ, बैक एक्सटेंशन करना, बैक की एक्सरसाइज करना मस्ट हो जाता है। ये मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया और आज तक फॉलो करती हूँ। तो अब मेरी एक्सरसाइज रूटीन क्या हो गई, व्हेन माय सन वाज 5.5 मंथ्स ओल्ड, कार्डियो ऑल्टरनेट डेज पे, उसके साथ ऑल्टरनेट डेज एब, थोड़े सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, बैक एक्सटेंशन बिल्कुल मत भूलिए, एंड अगेन लिसन टू योर बॉडी, डू नॉट रश एट ऑल। ये जो रूटीन मैंने अभी आपको बताई ये भी एक महीने तक पूरी की, और अब आरव 7 मंथ्स का हो गया था। जब वो 7 मंथ्स का हो गया तब मैंने जो है डिसाइड किया कि अब मैं रोज 5 बजे उठा करूँगी एक्सरसाइज करने, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलता था, मेरी शूट भी स्टार्ट हो चुकी थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था सब कुछ मैनेज करना। तो मैं जो है फीडिंग कर रही थी तब भी उसे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं 5 बजे उठ के सुबह जो है एक्सरसाइज कर लिया करूँगी। आज तक आप जानते ही हैं, मेरे देखते होंगे आप स्टोरीज वगैरह, मैं 5 बजे ही उठती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब मेरी एक्सरसाइज फुल फ्लैश शुरू हो गई। मैंने जो है वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग को रिप्लेस किया हल्की सी जॉग के साथ, हल्की हल्की जॉगिंग करनी शुरू कर दी, साथ में मैंने एप्स करने लगी जो मैं कर ही रही थी, उसके साथ मैंने कुछ फ्री हैंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस डाल। मुझे थोड़े से वेट्स के साथ भी आदत थी पहले से एक्सरसाइज करने की, लेकिन आजकल बिना वेट्स के भी बॉडी टोनिंग की बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, आप वो कर सकते हैं। तो मैंने ये रूटीन फॉलो की, हल्की सी वेट ट्रेनिंग, एब्स, थोड़ा कार्डियो बढ़ा दिया, सब चीजों को इंक्लूड करके एक मिक्स कर दिया इन चीजों का, और इसे भी मैंने फुल 1 मंथ किया।
स्टेप नंबर 9, अब मेरी फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज शुरू हो चुकी थी, मतलब 8 महीने का हो चुका था, और अब मैंने जो है ना उसमें बर्पीज और जंपिंग जैक्स, एब्स, ओब्लीक्स, कार्डियो, हर तरह की जो है ना मिक्स फंक्शनल ट्रेनिंग, ये सब कुछ जो है घर पे ही शुरू कर दिया। बट रिमेम्बर कि क्योंकि मैं पहले जिम रेगुलर जाती थी, मुझे पता था कैसे करनी है, इसलिए मैं घर पे कर पा रही थी। तो ये मिक्स एक्सरसाइजेस जो है ना, मैंने भी यूट्यूब की हेल्प ली उस टाइम पे और वहीं से देख देख के करती थी। अब आजकल तो बहुत सारे फिटनेस एप्स भी आ गए हैं, उन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्लीज डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज कीजिएगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस, हर बॉडी अलग होती है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस फुल फ्लेज जब वो 8 महीने का हो चुका था तब अच्छे से शुरू कर दी। प्रॉपर जो है वो कम से कम मैं 40 to 45 minutes डेली एक्सरसाइज करती, 5 times a week 40 to 45 minutes ऑफ एक्सरसाइज डे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूजुअली क्या करते हैं, एक ही तरीके की एक्सरसाइज यूज करते रहते हैं। जैसे वॉक शुरू की तो वॉक कर रहे हैं, जॉग शुरू की तो जॉग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे रेस्ट देना चाहिए। अगर हम पैरों से बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग जॉगिंग कर रहे हैं, तो फिर पैरों को हमें अगले दिन रेस्ट देना चाहिए, एब्स करने चाहिए। अगर हम एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें अगले दिन जो है वो एब्स को रेस्ट देना चाहिए, आर्म्स, अपर बॉडी वगैरह कुछ कर लेना चाहिए। तो हमें जो है अपनी एक्सरसाइज को बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड करके और चेंज करके करना चाहिए। जब हम एक पार्ट पर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो आर्म्स हो, चाहे स्टमक हो, चाहे वो लेग्स हो, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एक्सरसाइज होती है, टोनिंग एक्सरसाइज होती है, उस पार्ट पर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम बस सिंपल वॉक रोज करते रहते हैं एक ही जैसी, तो हमारी बॉडी को भी पता चल जाता है कि अच्छा आज भी यही करने वाली है, तो ब्रेन इज वेरी स्मार्ट, वो फैट हमारी बॉडी जो है लूज नहीं करती है। फिर हमें अपनी बॉडी को हैरान करना है, we call it like we have to shock our body. तो हमें जो है उसको हैरान करना है रोज कुछ अलग एक्सरसाइज करके, ताकि वो वेट जो है जो उसने जमा कर रखा है वो जल्दी से छोड़ दे। So we should concentrate on different parts of the body every day. और रेस्ट बहुत जरूरी है, जिस पार्ट ने आज एक्सरसाइज की है कल वो आराम करेगा। स्टेप नंबर 10 है मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल कोट्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सुनने में थोड़ा शायद अजीब लग रहा होगा कि अरे कोट पढ़ के या फिर एक जो है वो थॉट पढ़ के किसी को हेल्प हो सकती है, लेकिन होती है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे रोज सुबह उठ के 5 बजे एक्सरसाइज करनी होती थी, अभी भी कभी कभी टेक्निक का यूज करती हूँ मैं, तो रात को मैं कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सरसाइज के ऊपर कोट पढ़ के सुनती। तो क्या होता था कि सुबह जब मेरी नींद खुलती थी ना, जब नहीं उठा जा रहा या आलस आ रहा होता था, तो मैं उस कोट को याद करती थी कि नहीं नहीं मुझे फिट रहना है, नहीं या जो भी उस कोट पे लिखा होता था, मुझे बेटर शेप में लगना है। और विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है ये भी बहुत काम करती है। जब मैं एक्सरसाइज करती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे थोड़ा फनी लगेगा आपको सुन के, कि सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि अरे वाह तुम तो वापस पहले जैसी हो गई, और मुझे शर्म आ रही बोलते हुए ये सब। लेकिन जो है हाँ, मैं विजुलाइज करती थी कि मैं काम पे वापस जा रही हूँ और सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मेरे घर वाले सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि कितनी फिट हो गई है। अगेन रिमाइंडिंग यू, वेट लॉस इज नॉट द एम, फिटनेस इज द एम। सो आप कितनी फिट हो सकती हैं ये सोचिए। तो मैं ऐसा सब सोचती थी और मुझे लगता था एक दिन मैं जो है ना ये हासिल कर लूंगी, मैं पहले की तरह, क्योंकि पहले मैं हमेशा बहुत फिट थी, वैसी फिट हो जाऊंगी। और एक्चुअली वो हुआ, लेकिन ये जो मोटिवेशनल कोट्स हैं इनका आज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, इन्हें आज भी यूज करती हूँ। रोज जो है मोटिवेशन हमें फीट करनी ही पड़ती है दिमाग में अपनी, कुछ भी अगर हम बड़ा अचीव करना चाहते हैं। So these were the 10 steps which I followed to shed all my post-meal weight. और प्लीज आप कहीं जाइएगा नहीं, आगे भी कुछ शेयर करने वाली हूँ मैं चीजें इंपॉर्टेंट। अगेन 10 पॉइंट है जो चीजें आपको नहीं भूलनी है कभी भी, वो है नंबर 1, लिसन टू योर बॉडी ऑलवेज। अगर आपका शरीर आपको ये बोल रहा है कि नहीं आज तुम थक गई हो, आज तुम मत करो एक्सरसाइज, जेन्युइनली बोल रहा है, तो माइंड ट्रिक नहीं कर रहा है, तो आप उसकी सुनिए। क्या कहीं दर्द है, तकलीफ है, नहीं मन है, कोई बात नहीं, रेस्ट कीजिए, छोड़ दीजिए। Always listen to your body. Point number 2, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर repeat कर रही हूँ, stretching, back extension, warm up, ये must है। Exercise से पहले 5 मिनट या 7 मिनट का warm up, exercise के बाद 5 मिनट की stretching और relaxation, और back extension throughout your life you have to follow this. Point number 3, आप ये मत सोचिए कि एक बार आपने ये पूरी जो है रूटीन कर ली, 9 महीने, 10 महीने या 12 महीने एक्सरसाइज कर ली तो बस, नहीं, आपको पूरी लाइफ जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है और हमारा लाइफस्टाइल होना भी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए हेल्दी रहने के लिए।
और अदरवाइज क्या होता है हम लेडीज के साथ, क्योंकि हमारा बॉडी जो है इतना कुछ देखती है, वेट कभी इतना बढ़ रहा है, घट रहा है ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड अदर हार्मोनल चेंजेस आल्सो, तो हमारी बॉडी जो है वो लूज पड़ने लगती है काफी। तो टोनिंग के लिए, अच्छी टोन बॉडी के लिए आपको हमेशा एक्सरसाइज, चाहे आप 3 बार हफ्ते में करें, 4 बार या 5 बार, जैसा करने लगे, लेकिन करनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हॉलीडेज पे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में जो है हॉलीडेज भी आएंगे और घूमना फिरना भी होगा, रिलैक्सेशन भी हमें चाहिए, चेंज भी चाहिए। हॉलीडेज में आप एक चीज का ध्यान रख लीजिए, कभी भी ओवर ईट मत कीजिए, खाइए अपने मन की चीजें, खाइए सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस कीजिए उसे। ओवर ईट मत कीजिए एकदम स्टफ करके खुद को, स्पेशली जो हमारे सामने बुफेज लगे होते हैं, देखे में मुझे भी बहुत लाला जा जाता है, तो थोड़ा सा उसे कंट्रोल कीजिए। प्लस जो है जो टहलना बोलते हैं ना, वॉक करना जनरली ऐसे ही, बस वो जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप सिर्फ टहलती रहेंगी और चलिए रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है माइंडफुली खाएंगी, तो भी जो है आपका वेट, स्पेशली जब आप ये लूजिंग प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम के लिए खासतौर पे वापस जो है नहीं आएगा, और आप जैसी गई थी हॉलीडे पे वैसी वापस आएगी। पॉइंट नंबर 5, अब क्योंकि आपका बेबी भी हो चुका है, तो आपको और खाने के मामले में जो है वो हेल्थ फूड्स खाने चाहिए और कॉन्शियस हो जाना चाहिए। मैं अपनी एक बात शेयर करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो वैसे तो पहले भी मैं कम ही लेती थी, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत मन करता था या कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता ले लेती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कोल्ड ड्रिंक्स हम सब जानते हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो एरिएटेड ड्रिंक्स स्पेशली जो होती है, तो मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा भी बड़ा होगा, मुझे देखेगा तो पीने लगेगा, तो उस दिन के बाद से मैंने कोल्ड ड्रिंक जो है वो पीनी छोड़ दी, और आज तक 7 ईयर्स का हो गया आरफ, उसने कभी टेस्ट भी नहीं किया है। एरिएटेड ड्रिंक जूसेस की अलग बात है, फ्रेश जूसेस की अलग बात है, वो सब आप लीजिए, लेकिन हाँ ये लस्सी छाछ ये सब लीजिए, लेकिन एरिएटेड ड्रिंक्स की बात है अलग है, काफी नुकसानदेह होती है, वो जो है मैंने त्याग दी बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो ले। तो आप जो खाएंगे आपसे ही इंस्पायर होगा, बच्चों के भी अपने अपने टेस्ट होते हैं, डेवलप होते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड बच्चे के ये इंप्रेशन जो है ये बनता रहता है कि हमारी माँ क्या खा रही है और अपने शरीर का ध्यान कैसे रख रही है। पॉइंट नंबर 6, रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी वेरी एसेंशियल। आराम शरीर के लिए बहुत जरूरी है, नींद जो कि हमारी टूट टूट के होती है इस समय में जब बेबी छोटा होता है, बहुत जरूरी है पूरी करने, और रेस्ट आराम रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, इसलिए आप कोशिश कीजिए जब आपकी बॉडी बहुत थकी है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज मत कीजिए, टॉर्चर मत कीजिए अपनी बॉडी को, पहले रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट होइए, उसके बाद अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए। पॉइंट नंबर 7, ये भी मैंने पहले मेंशन किया है कि रोज अलग बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज कीजिए, एक ही पार्ट को थकाइए मत। पॉइंट नंबर 8, इस पॉइंट ने मुझे बहुत हेल्प की है और अभी भी मैं फॉलो करती हूँ, डिनर जो है आपका वो कोशिश करके थोड़ा जल्दी खा लीजिए, हो सके तो आइडियली 3 घंटे पहले सोने के, लेकिन वो पॉसिबल अगर नहीं होता है तो जितना पहले भी हो सके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी मैंने खाना खाया और बस मैं जाके लेट गई या 5-10 मिनट में मैं लेट गई, वैसे तो उसके बाद घर समेटने में काम करने में भी थोड़ा टाइम निकल ही जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना आप अर्ली डिनर कर लेंगे 7-7:30 बजे तक, अगर आप सो रहे हैं सोने से पहले आप दूध ले सकती हैं थोड़ा सा, नहीं तो 4-5 बादाम खा के सो सकती हैं अगर भूख लग जाए तो जितना आप ये अर्ली डिनर करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्प होगी वेट लूज करने में और वेट को मेंटेन रखने में। पॉइंट नंबर 9, खाना चबाना कितना जरूरी है, इस चीज को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमें हमेशा किसी ना किसी चीज की जल्दी रहती है, जल्दबाजी होती है, 100 काम होते हैं, बच्चे का भी कुछ ना कुछ करना होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन आवर प्लेट, लेकिन फिर भी आप खाना चबा चबा के खाए, नहीं तो क्या होगा, जो भी फायदेमंद चीजें भी अगर आप बेस्ट खाना भी खा रहे हैं ना, वो भी आपके शरीर को लगेगा। ऑलवेज रिमेम्बर, पेट में दांत नहीं होते, तो ये चीज हमें आदत बनानी पड़ेगी कि मैं केला भी खाऊं तो मतलब चबा के खाऊं, मैंने भी अपनी आदत बनाई है, क्योंकि नेचुरली आदत हमारे अंदर नहीं होती है, इसलिए हम बहुत च्यू करके आराम से खाएं खाना, जितना भी हो सके उसे च्यू करें और अपने बच्चे को भी ये चीज जरूर सिखाएं। पॉइंट नंबर 10, अपने आप को रिवॉर्ड जरूर कीजिए, क्योंकि आप पूरे हफ्ते जो है एक हेल्दी खाना खा रही हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं, सब कुछ फॉलो कर रही हैं, तो अपने आप को पैम्पर करना, रिवॉर्ड करना, अपने आप को खुद को इंस्पायर्ड रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने आप को आप कोई ऐसी चीज वीकेंड पे खिलाइए जो आपको बहुत पसंद है। जब ये मेरा प्रोसेस चल रहा था वेट लॉस का, तब मैं हर संडे जो है अपने मन की एक चीज जरूर खाती थी घर पे बनवा के, चाहे वो समोसा हो या बड़ा पाव हो या जो भी हो, खुद भी बना लेती हूँ मैं, तो बना लेती थी, या पिज्जा हो या जो भी हो, इंडल्ज कीजिए, मतलब
थोड़ा सा अगर आप इंडल्ज नहीं करेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो इतनी मेहनत ही करती जा रही हूँ और मन का खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप राइस वगैरह किसी चीज का ऐसा परहेज मत कीजिए, बस रिप्लेस कीजिए राइस को, ब्राउन राइस से रिप्लेस कीजिए, और रोटी को जो हमारी नाचनी ज्वार के आटे आते हैं उनसे रिप्लेस कीजिए। बाकी आप हफ्ते में एक दिन जो है ना अपने आप को ट्रीट दीजिए। आप देखिए जब आप फिर वीकेंड पे या जब भी आपको ठीक लगे एक दिन आप ट्रीट देंगे ना तो अगले दिन से आपका एक्सरसाइज करने का मन और ज्यादा होगा। आपको लगेगा अरे यार इतनी मेहनत कर रही हूँ और अब इतना सारा मैंने खा लिया है या इतना इतना हैवी खा लिया है, अभी थोड़ा गिल्ट होने लगेगा। और वो जो गिल्ट है उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, उसी को फोकस बनाइए उस गिल्ट को और आप एक्सरसाइज कीजिए। मैं बहुत ये चीज करती हूँ, जब भी कभी वीकेंड पे खाती हूँ अच्छे से और मैं खाती हूँ उल्टा सीधा थोड़ा सा वीकेंड्स पे, तो उसके बाद जो है वो जो गिल्ट है ना वही मुझे अगले हफ्ते 5 दिन एक्सरसाइज करने पे मजबूर करा देता है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अच्छा नहीं लगता है कि आप वो बॉडी लूज कर दें जिसपे आपने इतनी मेहनत की है नेचुरली वो भी बिना किसी आर्टिफिशियल मीन्स के। सो पैम्पर योरसेल्फ, रिलैक्स, ईट व्हाटएवर यू फील लाइक ईटिंग एटलीस्ट वंस अ वीक। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी जर्नी कैसी लगी, और आपके पास भी अगर कोई टिप्स हो तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।